विश्व का पहला ऐसा यह मंदिर जहां एक तरफ भोलेनाथ विराजमान है तो दूसरी तरफ खुदनी बीबी का मजार है। एक साथ भक्त मजार पर भी पूजा करते हैं तो वहां भोलेनाथ को भी जल चढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस मंदिर को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों इस मंदिर में मजार और भगवान भोलेनाथ एक साथ हैं। गर्भगृह में मजार भी है और भोलेनाथ का शिवलिंग भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ स्थित है भगवान खुदनेश्वर महादेव का यह मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में एक तरफ तो सामने मजार है, जैसे आप इस मेन गेट से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको मजार दिखेगा और इस मजार के ठीक उस तरफ में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। लोग भक्त यहाँ आते हैं, पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाते फिर मजार पर भी पूजा करते हैं। समझ लीजिए अपने आप में धार्मिक एकता का यह बहुत बड़ा मिसाल है, जहाँ एक तरफ भोलेनाथ तो दूसरी तरफ खुदनी बीबी का मजार। कहते हैं कि 2600 साल पुरानी यह कहानी है, जब खुदनी बीबी नाम की यह महिला इस जंगलों में यहाँ पर गाय चराने आया करती थी और उस जब वो गाय चरा कर घर ले जाती थी तो उसके उसका गाय दूध नहीं देता था। कई बार इसको लेकर के उसके माता पिता ने सवाल पूछा कि आखिर तुम दिन भर तो गाय चराती हो लेकिन तुम्हारी गाय दूध क्यों नहीं देती, आखिर तुम दूध किसी को दे देती हो या फिर दूध तुम किसी को बेच देती हो। इस तरह के इल्ज़ाम जब खुदनी बीवी पर लगने लगा तो एक दिन खुदनी बीवी गाय चराते हुए छुप कर देखने लगी कि आखिर गाय हमारी चरती है तो इसका दूध कहाँ जाता है। तब एक निश्चित स्थान पर जहाँ शिवलिंग है वहाँ कहते हैं कि जैसे ही गाय वहाँ पहुँची उसके थन से खुद ब खुद दूध गिरने लगा और ये देख करके खुदनी बीवी आश्चर्यचकित हो गई। इतने में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वहीं भोलेनाथ प्रकट हो गए तो कुछ लोग कहते हैं कि उस रात खुदनी बीवी के सपने में भोलेनाथ आए और उन्होंने कहा कि तुमने जो आज देखा है वो तुम किसी और को बताना मत, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा देहांत हो जाएगा। इसके बाद वो रोज गाय चराने जाती है और गाय जब वापस आती तो दूध नहीं देती। लेकिन यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चला और एक दिन उसके माता पिता उस पर इस इल्ज़ाम को लेकर के पूछताछ करने लगी और जब प्रेशर बढ़ गया तो खुदनी बीवी को यह पूरी कहानी अपने माता पिता को बताना पड़ा। फिर क्या था, कहते हैं कि उसी दिन खुदनी बीवी का देहांत हो गया। लेकिन उसके देहांत से पहले उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो हमारा जो अंतिम क्रियाक्रम है यानी मुझे जो दफनाया जाए उसी जगह पर दफनाया जाए जहां इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस दौरान वो भोलेनाथ से जुड़ चुकी थी। फिर क्या था, जब उसका देहांत हो गया तो उसके घर वाले वहीं उसको दफनाने के लिए मिट्टी खोदना शुरू किए जहाँ से यह शिवलिंग बाहर आया। कहते हैं कि जब इसकी खुदाई हो रही थी उस दौरान उसका कुदाल शिवलिंग से टकराया और शिवलिंग कट भी गया और आज भी कहते हैं कि उसका निशान उसके ऊपर मौजूद है। पहले बाबा की बात सुन लीजिए। जब खुदाया खुदारी चला तो वहाँ पर में तो बाबा प्रकट हो गए तो उनको खुदारी से कट गया वो चिन्ह अभी तक के हम लोग देख रहे हैं। शिवलिंग पर अभी भी चिन्ह है? हाँ, अभी भी खुदारी का चिन्ह है, कटा हुआ है। जब कट गया तो मानव की तरह वहाँ पर में खून का ढेर हो गया, खून बहुत बहा। तब उसको देख करके मन थरथरा गया तो भाई क्या है, तो लोग सब जुटे उस जमाना में तो देखिए तो भाई यहाँ कोई शक्ति है इसलिए यहाँ खून बहा। उसके बाद उस जमाना में तो ईंटाई सब का निर्माणे नहीं था तो वही माटी का देवाल ढाठ पड़ा, पूजा पाठ उनको शुरू हुआ, उस दिन से है नाम विख्यात हुआ। उसके बाद से यही खुदनेश्वर धाम महादेव का पूजा होने लगा। कहते हैं कि इस घटना के बाद वहीं से कुछ दूरी पर यानी शिवलिंग जहां प्रकट हुआ उसी के बगल में खुदनी बीवी को दफना भी दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जहां से शिवलिंग निकला था वहां पूजा अर्चना होते हुए मंदिर का शक्ल अख्तियार कर लिया तो खुदनी देवी का मजार भी वहीं पर अवस्थित रह गया। फिर क्या था, जो भक्त आते थे भगवान की पूजा करते थे साथ में भक्त खुदनी बीवी का भी पूजा करते थे। सिलसिला आज भी जारी है और तब जो सुर्खी चूने से खुदनी बीवी का मजार बना था वो आज बदलाव सिर्फ ये है कि वह टाइल्स और मार्बल का बन चुका है और भक्त आज भी आते हैं
भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर खुदनी बीबी के मज़ार पर भी पूजा अर्चना करते हैं। आज के समय में यह विशालकाय मंदिर यहाँ तैयार हो गया है। कहते हैं कि इस मंदिर में चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर में जो है भगवान भोलेनाथ विराजमान है, उसके बगल में खुदनी बीबी का बाजार है, वहीं फर्स्ट फ्लोर में कई द्वादश ज्योतिर्लिंग के कई चीज़ों को स्थापित किया गया। अगर आप पूजा अर्चना के लिए आएंगे तो यहाँ उन सभी देवी देवताओं का दर्शन आपको हो जाएगा। इसी मंदिर के बगल में चार और मंदिर बनाए गए जहाँ अलग अलग देवी देवताओं का अनुष्ठान है। बाकी इस मंदिर के ठीक सामने में तालाब बना है और पूरे गांव से लोग यहाँ सोमवारी के दिन उमड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सोमवारी को जल चढ़ाने आते हैं। और ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड में एक तरफ पुरुष तो दूसरी तरफ महिलाओं की कतार होती है और एक लंबा लाइन लगता है। कहते हैं सोमवारी के दिन बड़ा लंबा लाइन होता है जी। कितने भक्त जल चढ़ाते हैं यहाँ सोमवारी में? लगभग 1.5 लाख 2 लाख आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं औसतन, है ना। और रेगुलर जो है देखते हैं, पिछले दिन भी आए थे तो बड़ा भीड़ था, और सामान्य दिनों में? हाँ, सामान्य दिन में तो ऐसा ही रहता ही है, और ओकेजन पर में ज़्यादा भीड़ होती है, और सोमवारी में खास करके महाशिवरात्रि में ये सब समय में काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर में नीचे वाले फ्लोर में देखते हैं भगवान भोलेनाथ है, साथ में खुदनी देवी का मज़ार है जी। ऊपर वाले फ्लोर में क्या है? वह द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, उनको दर्शनीय स्थल है, वो दर्शन के लिए बनाया गया है। ऊपर में द्वादश ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग का। बाकी और मंदिर में क्या क्या विशेषता है? और यहाँ पर भगवान विष्णु का क्षीरसाई विष्णु का है मंदिर बना हुआ है, और भैरव बाबा का मंदिर है, माता जगदम्बा श्री दुर्गा जी का मंदिर है ना, महावीर जी का मंदिर है, इस तरह का स्थापना है। बगल में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उसके साथ साथ शनि भगवान का भी मंदिर है। कहते हैं कि खुदनेश्वर धाम महादेव में आप जो भी मनोकामना रखते हैं भगवान उसे पूरी करते हैं, इसीलिए तो यहाँ लगातार जल चढ़ाने वालों का सिलसिला सामान्य दिनों में भी नहीं रुकता। खुदनेश्वर धाम का यह महादेव मंदिर समस्तीपुर के जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, तो राजधानी पटना से लगभग ये 75 किलोमीटर दूर है। आपको भी कभी आना हो तो आप आइए, यहाँ भोलेनाथ का दर्शन कर अपनी मनोकामना रखिए। कहते हैं कि भोलेनाथ की असीम कृपा है, और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना को रखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे विश्व में पहला यह ऐसा मंदिर है जहाँ एक तरफ तो मज़ार है, दूसरी तरफ भोलेनाथ है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।